नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और शुरू कर रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। तो किस्मत कनेक्शन में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं रंजना राणा जी। नमस्कार रंजना, आपके तमाम सवालों का जवाब देंगी। फोन लाइंस खोलने जा रहे हैं हम, नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो फोन उठाइए, हमें मिलाइए और जानिए कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए। इसके अलावा जो भी सवाल आपके जहन में, कोई काम नहीं बन रहा है, कहीं कुछ फंसा हुआ है, आप चाहते हैं कि आप उन मुश्किलों से निकलकर बाहर आ जाएं लेकिन नहीं बाहर आ पा रहे, जो मुश्किलें आपका पीछा नहीं छोड़ रही, चाहे वो शिक्षा, व्यापार, रोजगार, किसी से भी संबंधित हो, तो जरूर सवाल पूछिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं और जब तक आप फोन करेंगे मैं सवाल पूछ लेती हूँ। इससे पहले कि हम आज टैरो कार्ड के जरिए बातचीत करें या फिर अंकों पे जाएं, मंत्र जाप को लेकर हम कार्यक्रम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं या फिर किसी तरह के अनुष्ठान या पूजा पाठ की बात होती है तो आप ये मंत्र जाप कीजिए, आप वो मंत्र जाप कीजिए, लोग ऐसा कहते हैं, इन मंत्रों में ऐसा क्या है? मंत्र का मतलब ही होता है मन को नियंत्रण में रखना। कुछ ऐसे पावरफुल शब्द होते हैं जिनके उच्चारण से हम अपने मन को और अपनी स्थितियों को हम नियंत्रण में कर सकते हैं जी। ये मंत्र जाप जो है इनसे हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है जिससे हमारे जितने ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है और जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे शरीर में वो ठीक हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और हमारी मन की स्थिति भी ठीक हो जाती है और हमारा अप्रोच टू द जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी लाइफ में वो भी धीरे धीरे सुलझने लग जाते हैं। इसलिए मन को नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है, मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है। एंड स्पेशली अगर हम मंत्र जाप एक ही समय पे, एक ही स्थान पे रोज करेंगे उससे हमको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए, मन को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है, इसलिए करना चाहिए। अंकों के जरिए आगे बढ़ते हैं। नंबर एक वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, देखते हैं क्या कहते हैं रंजना के कार्ड्स। नंबर एक वालों का हम देखते हैं, इनके मन में बहुत ही ज्यादा दुविधा है, कोई पुरानी बातों को लेके बहुत ही ज्यादा परेशान रह रहे हैं, मन में बहुत ही ज्यादा विवाद चल रहा है, उसको एकदम सुकून रखिए। हम वही जैसे जी कहते हैं मंत्र जाप के लिए ओम नमो शिवाय का आप जाप करना शुरू कीजिए और देखेंगे आप 2-3 घंटे में जो भी प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन आपको अपने आप ही दिखाई देगी और डेफिनेटली उनका आज का दिन फिर बहुत अच्छा चलेगा। आज का उनका रंग है वो है लाल और उनका जो अंक है वो है नंबर 9। चलिए, और लाल रंग तो प्रेम का भी प्रतीक है, तो सुबह से जुट जाइए, शुरू हो जाइए। आपको आपका शुभ अंक 9 बता दिया गया, जो लाल रंग है उसे आप धारण कीजिए, दिन बहुत ही खुशनुमा होने वाला है आपके लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आधे घंटे का ये कार्यक्रम आपके लिए बिल्कुल मत चूकिएगा, सुबह सुबह का समय है, पूरा दिन प्लान कर सकते हैं आप और इस प्लानिंग में आपको हेल्प करेंगी रंजना राणा, मशहूर टैरो कार्ड एक्सपर्ट। तो जरूर फोन कीजिए और सवाल पूछिए, बिल्कुल मत हिचकिए, फोन पर आप अपने सवाल को बेझिझक यहाँ पर पूछ सकते हैं, मंच आपका है। 2 अंक वालों के लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनके लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। 2 अंक वालों के लिए दिखाई दे रहा है कि काफी देर से इनकी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी आज ये उस बात में डिसीजन ले लेंगे कि हम जो भी ये प्रॉब्लम है अपने ही हिम्मत से, अपनी ही समझदारी से उसको सॉल्व करेंगे एंड डेफिनेटली इसको वो जो भी इनकी प्रॉब्लम होगी इसको वो सॉल्व करने के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे, चाहे वो घर में कोई विवाद की स्थिति होगी चाहे उनके कार्य क्षेत्र में। तो डेफिनेटली आज का दिन इनके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इनका जो आज का रंग है वो है पीला और इनका जो अंक है वो है नंबर 3। चलिए, तो आपका भी शुभ अंक और शुभ रंग बता दिया, आज आप ऐसे धारण करें और जो कुछ भी बता रही हैं रंजना उस पर अमल जरूर कीजिएगा, एक बेहतर दिन मिलने जा रहा है आपको। सरोज हमारे साथ पलवल से जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग सरोज। सरोज जी, सरोज आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 7/3/1981 है। ठीक है, मेरी जॉब छूटी हुई है मैम, मैंने कोर्ट केस भी किया हुआ है, आप मेरे को ये बता दीजिए मेरी जॉब कब तक मिल जाएगी, कोर्ट केस मेरे फेवर में आएगा या नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं रंजना के पास क्या समाधान है। नहीं देखिए, आपके जो ये कार्ड्स आए हैं बहुत अच्छे हैं सरोज जी एंड डेफिनेटली जो ये कोर्ट केस है वो आपके फेवर में ही जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी। अभी 2-2.5 महीने जरूर लगेंगे मगर डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी, इसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 2 रोटी और गुड़ आप रोज
गाय को देती रहिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। हमारे साथ राजस्थान से भी एक कॉलर है, नेहा। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग मैडम, बोलिए जी। जी मेरा ये सवाल है, अभी जैसे मतलब मैंने 12th से CBSE बोर्ड से मैंने एग्जाम दिए थे, तो उसमें मेरे कम रिजल्ट रहे हैं, मतलब मेरे, तो अब मैं अगर दोबारा एग्जाम दूंगी तो क्या उसमें अच्छे परसेंटेज ला सकती हूँ? मतलब मेरी शिक्षा में पता नहीं क्या, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी बट फिर भी नहीं आ पा रही मेरी। बिल्कुल, देखते हैं रंजना क्या बताती हैं। देखिए, मैं आपका देख रही हूँ कि ये जो आपके 12th के रिजल्ट हुए हैं वो किसी तरह से आपको कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी रह गई थी उस टाइम, मगर अब हम देख रहे हैं कि जैसे आप पूरी मेहनत से, पूरे संलग्न से और रोज सरस्वती माता का मंत्र ओम सरस्वती नमः करिए और ओम गण गण बताए नमः करना शुरू कीजिए, इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होगी, आपकी पढ़ाई इम्प्रूव होगी और डेफिनेटली इस साल 12वीं की कक्षा में आपके बहुत अच्छे नंबरों से आप पास। बिल्कुल, और जो कुछ भी बता रही है रंजना उसके साथ मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप कह रही हैं कि आप बहुत मेहनती हैं, उसमें थोड़ा और इजाफा कीजिए और जो कुछ भी बता रही है उसको अमल में लेकर आइए, जरूर निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। आजमा कर देखिए। नेहा की तरह आप भी फ़ोन कीजिए। देखिए राजस्थान से लोग फ़ोन कर रहे हैं, आप लोग कहाँ हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर चूक रहे हैं, आपको बिल्कुल मत चूकिए। नंबर 3 की बारी है, 3 अंक वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा हम तब तक ये बता रहे हैं, आप फ़ोन करते रहिए। 3 अंक वालों के लिए आज का दिन भी बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी दिन से ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं मगर ये है कि वो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस कम दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उनको यही सलाह देते हैं कि कॉन्फिडेंस में आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और पूरी अच्छी प्लानिंग के साथ, मेहनत के साथ आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको करिए एंड डेफिनेटली उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलने वाली है, इसलिए घबराइए मत, बस मेहनत करनी शुरू कर दीजिए। आज का आपका जो रंग है वो है ऑरेंज और आपका जो अंक है वो है नंबर 1। चले 4 अंक वालों के लिए भी देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। 4 अंक वालों के लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं और कैसे वो अपने दिन को प्लान करके बेहतर बना सकते हैं? 4 अंक वालों के लिए हम देखते हैं कि थोड़ा सा सेहत के हिसाब से इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, स्पेशली जिनको बोन्स की तकलीफ है उनको ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो हम उनसे यही सलाह करें देंगे कि वो एक तो सूरज को जल देना शुरू करें और डेफिनेटली वो अपनी हिम्मत के साथ अपने पूजा पाठ करें, अपना व्यायाम करें, रोज़ सुबह सैर पे जाएं, उससे इनका डेफिनेटली सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार आने वाला है, इससे उनको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो टेंशन रिलेटेड हैं उनको आप शांतिपूर्वक सुलझाएं। आपका जो आज का रंग है वो है ब्लू और आपका जो अंक है वो है नंबर 8। चलिए सुरेश कुमार हमारे साथ काफी देर से वेट कर रहे हैं फोन पर, एक कॉलर है। सुरेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। मैडम मैं जो भी कार्य करता हूँ सभी घाटे में जाते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2869 है मैडम। 2869 जी। अच्छा जी, हम देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। देखते हैं हम कार्ड्स जो देख रहे हैं कि वो डेफिनेटली प्रॉब्लम जरूर आती है, आप लोगों पे विश्वास बहुत जल्दी करने लग जाते हैं जिस करके आपको लोग से धोखा भी मिल जाता है, मगर ये बात है कि आपको एक तो डेफिनेटली जो भी काम करें उसमें एक्स्ट्रा कॉशन करें और उसको ध्यान से जो भी पेपर वगैरह साइन करें, किसी को पैसा उधार दें या जो भी कार्य करें उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉशन आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप काले तिल, चावल और शक्कर इक्वल क्वांटिटीज़ में 2 और 6 बजे के बीच में एक मुट्ठी किसी भी पेड़ के नीचे डालेंगे, इससे आपके कार्य में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। चलिए ममता है अगली कॉलर हमारे साथ। गुड मॉर्निंग ममता। ममता जी चलिए इनके साथ हमारा संपर्क जो है वो टूट गया। 5 अंक की बारी है, अंकों में ही आगे बढ़ते हैं जब तक हमारे साथ कोई कॉलर जुड़ेंगे। 5 अंक वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स, देखते हैं। 5 अंक वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है, उनको अपने सगे संबंधियों से, उनको अपनी सोसाइटी में बहुत ही इज्जत मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, इसे जो भी वो कार्य करना चाहते हैं उसको आज एकदम सफलता से वो कर सकेंगे पूरी खुशी के साथ, उनको बच्चों से भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, सो आज के दिन पिंक 5 अंक वालों के लिए बहुत अच्छा है। उनका जो आज का रंग है वो है पिंक और उनका जो अंक है वो है नंबर 6। कशिश हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग कशिश। गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए पूछिए सवाल। मैम मैंने नवोदय का पेपर दिया हुआ है तो मैं पूछना चाहती हूँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं? बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 1/11/2004।
1/11/2004 कितनी उत्सुकता है जानने के लिए सिलेक्शन को लेकर, देखिए इन्हें। डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होने वाली है, आप एकदम फिक्र मत करिए, आप पूरे उत्सुकता से आप अपने रिजल्ट की वेट कीजिए एंड उससे आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलने वाली है, इससे आप आराम से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। चलिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एडमिशन यहाँ पर पक्का मिलेगा, सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा, कार्ड्स तो यही कह रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन को अनछू कीजिए और एकदम रिलैक्स मूड में जब तक कि सिलेक्शन की खबर नहीं आ जाती जी, जैसे कि कहा जिंदगी व्यतीत कीजिए। अमित है हमारे साथ, अमित गुड मॉर्निंग। अमित जी बोलिए सर। मैम ये मैंने पिछले 2 महीने पहले क्वेश्चन किया था मैडम से, हाँ? तो उन्होंने बताया था कि 15-20 दिन के अंदर अंदर जॉब लग जाएगी मेरी, ठीक है, लेकिन आज तक तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई जॉब लेटर आया ना। लेकिन अमित जी आपको कुछ एफर्ट्स करने के लिए भी जरूर कहा गया होगा, हम जब खाना खाते हैं तो निवाले को भी हाथ से मुंह तक ले जाना पड़ता है। जी मैम वो तो सही बात है आपकी जी। चलिए अमित जी एक बार डेट ऑफ बर्थ बताएंगे अपना। 18 जुलाई 1986। ठीक है, 18 जुलाई 1986 जी। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कहाँ पर ये ऑब्स्टिकल हैं, ये रोड़ा आ रहे हैं। निगी देखिए आपकी जॉब जरूर लग जानी चाहिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपको प्रपोजल जरूर आए होंगे, मे बी आपकी इच्छा अनुसार नहीं आए होंगे मगर आपको प्रपोजल्स आए हैं, और अभी ऐसा है कि आपको थोड़ा सा विलंब रहेगा इसके अंदर, इससे जो भी आपको जॉब प्रपोजल्स आ रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, धीरे धीरे इसमें आपको अच्छी नौकरी और भी मिलती चली जाएगी, इससे ज़्यादा चूजी मत होइए, जो मिल रही है जॉब उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए जो मिल रहा है उसी में फिलहाल के लिए संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि जब आप उसको ले लेंगे, जो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, जो मौका है, तो वो मौका आपको सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की ओर ले जाएगा। हाँ जी, मैं सही कह रही हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार अंकों के साथ भी आगे बढ़ेंगे और आपके फोन कॉल्स का भी इंतजार रहेगा। जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना, श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, हृष्ट पुष्ट होगा परिवार, श्री गोविंद, श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान, बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान, सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में सुमंत्र, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र, नाड़ी वैद्य में आयुर्वेद का कमाल देखना, ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना, कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। ये मेरी जमीन थोड़ी खराब सी, सारिया खादा मैं पा के देखता रहा पर रिजल्ट नहीं चंगे आए, मैंने किसी ने दसा भी सरताज जिप्सम पाओ शायद रिजल्ट बहुत बढ़िया आ, मैं वो ट्राई की थी ता ये नाल मेरा जो गन्ना आया 15-15 फुट तो भी उपर चले गया। सरताज जिप्सम नेचुरल इम्पोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संग्राम सिंह रेसलर और मैं सभी हरियाणा वासियों से गुजारिश करता हूँ कि हरियाणा में पहली बार शेरे हरियाणा सकल कबड्डी प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट जो 3 जून से 19 जून तक हो रहा है, इसको बढ़ चढ़ कर देखें और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि कबड्डी खेल अपना है और हरियाणा कबड्डी को आगे बढ़ाएं। मैं भी इसकी ओपनिंग सेरेमनी 3 जून को निडानी आ रहा हूँ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए, तो आप सब भी आइए, खिलाड़ियों के साथ साथ इस खेल को बढ़ाइए। जय हिंद। खेतों में खुशहाली लाए, भोपाराए घर घर पानी पहुँचाए, भोपाराए सालों साल चलता ही जाए, भोपाराए भोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला भोपाराए मोटर स्टार्टर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार, MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल।
हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद किस्मत कनेक्शन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे खास मेहमान टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो फोन करते रहिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम भी लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन खुली हुई है। और इससे पहले कि जब आप हमारे साथ जुड़े, हम देख लेते हैं कि 6 अंक वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, उनके लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। 6 अंक वालों के लिए आज का दिन भी बहुत बेहतर रहेगा। अगर वो कोई न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं बाहर से इनको एक बहुत अच्छा समाचार भी मिलने वाला है। एंड जितनी भी लेडीज़ हैं उनके काम में आज बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी रहेगी। सो आज का दिन उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। और आज का उनका जो रंग है वो है ग्रीन और उनका जो अंक है वो है नंबर 5। 5 अंक, 5 वैसे भी शुभ होता है और आज आपके लिए वो शुभ अंक है और ग्रीन कलर, याद रखिएगा, इसे फॉलो कीजिए आज दिन भर, बहुत कुछ अच्छा होगा आपके साथ। तो खुश हो जाइए और एक बेहतर दिन की शुरुआत कीजिए बहुत ही अच्छे और फ्रेश मूड के साथ। 7 अंक वाले वेट कर रहे हैं अपनी बारी का कि चलिए अब हमारी बारी आ गई। ये जो लास्ट 3 नंबर्स हैं इनमें काफ़ी उत्सुकता रहती है कि अब बारी आएगी, तो अब बारी आएगी। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। 7 अंक वालों के लिए हम देखते हैं कि बहुत दिनों से इनकी फाइनेंशियल पोजीशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, इनके बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ रही है, सब तरफ से इनको टेंशन ने घेरा हुआ है। मगर आप इनको आज का दिन देखिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा आ रहा है, भगवान का इनके ऊपर बहुत आशीर्वाद है। आज का दिन हम देखते हैं वर्ल्ड का है, बहुत सुंदर ये कार्ड है। एंड डेफिनेटली जितने दिन से इनकी जो काम में या इनके रिलेशनशिप्स में वाद विवाद या बाधाएँ आ रही हैं, आज के दिन वो सब खत्म होने वाली है। तो 7 अंक वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतर है। उनका जो रंग है वो है डार्क ब्राउन और उनका जो अंक है वो है नंबर 9। चलो 7 अंक वाले हैं आप, लेकिन अंक जो शुभ है आपके लिए वो 9 है। 8 अंक वालों के लिए भी लगे हाथ, देख ही लेते हैं कि उनके लिए उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, आज क्या कुछ मिलने वाला है और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे समाधान कर सकते हैं, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स रंजना। 8 अंक वालों के लिए भी हम देखते हैं थोड़ा सा सेहत में ठीक नहीं है, हड्डियों के लेके इनको प्रॉब्लम है, पेट इनकी प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे इनको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा अपना। और डेफिनेटली बाजरा और चीनी का ये आज चीटी चिड़ियों को खिलाएं, उससे फ़ायदा होने वाला है। मगर अपनी जो मन की स्थिति है वो भी ठीक करें और डेफिनेटली दोपहर बाद इनकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। आज का जो इनका रंग है वो है पर्पल और इनका जो अंक है वो है नंबर 4। चलिए एक आखिरी अंक बचा हुआ है, 9 अंक वाले, सबसे आखिर में आप ही की बारी आती है और ये बहुत अच्छा भी है। इसके चलते आप हमारे इस पूरे कार्यक्रम को आप बहुत ही तल्लीनता के साथ देखते भी हैं, तो मैं इसे बहुत बेहतर मानती हूँ। 9 अंक वालों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, 9 अंक वालों के लिए हम देखते हैं वो भी कार्ड बहुत अच्छे हैं। इनको डेफिनेटली जो भी थोड़ी बहुत इनके घर में वाद विवाद की स्थिति बहुत दिनों से चल रही थी वो आज खत्म होने वाली है। इनको अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने आज
जितने भी कार्य जो कि रुके हुए हैं उनको आज कर लेना चाहिए। वो शाम तक सारे इनके कार्य हैं वो डेफिनेटली सफल हो जाएंगे और नहीं सफल होंगे तो सफलता की साइड में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सो आज का दिन 9 अंक वालों के लिए भी बहुत ही सुंदर दिन है और उनका जो रंग है वो है वाइट, रिलैक्सेशन का है, शांतिपूर्वक सारे काम कीजिए। और जो अंक है वो है नंबर 2। चलिए तो जल्दी से आप एक पेन पेपर लीजिए और जितने भी ये 9 अंक वालों के लिए है, जितने भी आपके रुके हुए काम है जहां बात नहीं बन रही, एक लिस्ट बनाइए और आज शुरुआत कर दीजिए। आज का दिन बहुत बेहतर है उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी मिलनी तय है और अगर काम नहीं भी बना तो काम बनने की दिशा में आप बढ़ जाएंगे। तो फटाफट कीजिए इसको, इस कार्यक्रम का फायदा आपको जरूर मिलेगा। फिलहाल के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम यहाँ पर आने के लिए और बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला, खासकर मंत्र को लेकर। और इसके साथ ही फिलहाल के लिए किस्मत कनेक्शन में इतना ही। नमस्कार। Doctor.